हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज प्रॉमिस्ड, हम लोग आज एक दूसरा डिज़ाइन बना रहे हैं मल्टीपल डार्ट शिफ्टिंग की। आज एक नहीं बल्कि दो डिज़ाइन पर हम लोग काम करेंगे मल्टीपल डार्ट शिफ्टिंग के। तो सबसे पहले डिज़ाइन बनाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने नेकलाइन पर शिफ्ट किया था, इस बार हम लोग एक आर्म होल पर शिफ्ट करते हैं, एक साइड सीम पर और एक साइड सीम के कॉर्नर पे, एंड पर। मतलब हम लोगों का जो डिज़ाइन बनेगा फाइनल, दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सिंस वी आर मेकिंग पैटर्न, वी आर गोइंग टू मेक इट हाफ। ओके, सो हम लोगों का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। एज पर डिज़ाइन हम लोगों की एक डार्ट आर्म होल पर आ रही है, एक साइड सीम के अपर पोर्शन पे कहीं पर 2-2.5 इंच पर आ रही है और एक बिल्कुल वेस्ट लाइन कॉर्नर पे साइड सीम से टच करते हुए। सो तीनों जगह हम लोग अपना अपना पॉइंट मार्क कर देंगे, यहाँ पर, समवेयर ओवर हियर, यहाँ पर और यहाँ पर। लाइंस को मैच कर देना है और ये नीचे की तरफ भी। ओके, नॉचेस मार्क कर देना है, 1, 2 एंड 3। ये इसलिए करते हैं ताकि हम लोग कन्फ्यूज ना हो जाएं, बिकॉज वी हैव लाइंस ऑफ ओरिजिनल डार्ट एज वेल। प्लस जब हम लोग कट कर रहे हों तो अगर ये कट होकर के अलग हो जाए तो वी नो दैट कि ये किस पर जाके ज्वाइंट होने वाला है। अगर 2 है तो वो 2 पर ज्वाइन होगा और अगर 3 है तो वो 3 पर होगा। सो मार्किंग नॉच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 डार्ट लाइंस मार्क करने के बाद आप किसी भी एक डार्ट लाइन को पहले कट कर लीजिए। सो एपिक्स पॉइंट तक हमने कट कर लिया और जो एग्जिस्टिंग ओरिजिनल डार्ट लाइन है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा कि जो डार्ट लेग साइड सीम की तरफ है हम लोग उसको ही क्रीज आउट करके फोल्ड करेंगे, लाइक दिस। और इस डार्ट को हम लोग क्लोज कर देंगे परमानेंटली, दिस इज़ इट। अभी हम लोगों का ओपन एरिया आ गया है। अभी एक्चुअली में अभी सिर्फ एक डार्ट ही शिफ्ट हुई है। अब नाउ वी विल कट दीज 2 लाइंस ऑल्सो, नॉट एंटायरली। हम लोगों को हाफ ब्लॉक अटैच रखना है और एपिक्स पॉइंट के पास तक, और उसके बाद ये जो मेरे पास हमारे पास जो स्पेस है और इसके बाद ये जो हमारे पास स्पेस है इसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे, लाइक दिस। ओके, तो इससे क्या होगा कि वी विल गेट 3 डार्ट्स, 1 डार्ट 2 डार्ट एंड 3 डार्ट। सो नाउ वी विल ट्रेस इट ऑन अ ब्राउन पेपर। सबसे पहले उन एरियाज़ को ट्रेस करना है जो कि फिक्स हैं, जो कि चेंज नहीं हो रहे हैं। नीचे वाली डार्ट जो हम लोगों ने फोल्ड की है, ओरिजिनल डार्ट, उसको क्लोज करके ही ट्रेस करना है। अब बची ये जो डार्ट्स वाली पोजिशनिंग है इसको हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे, मेक श्योर हर एक डार्ट में इक्वल इनटेक आ रहा हो। और उसके बाद व्हेन यू आर सेटिस्फाइड वी विल जस्ट मार्क द एंड पार्ट्स। हम लोग एपेक्स पॉइंट तक नहीं मार्क करेंगे ये, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये हम लोग बाद में स्केल से ज्वाइन कर सकते हैं, दैट विल बी बेटर। और बाकी सबको हम लोग स्टार्टिंग के पॉइंट्स को हम लोग मार्क कर रहे हैं, बाहर के पॉइंट्स को। आई थिंक इट इज़ मार्क्ड, वी विल नाउ रिमूव इट।
वी हैव दिस एपेक्स पॉइंट, और जितने भी बाहर के पॉइंट्स को हमने मार्क किया है उसको हम लोग एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे विद अ स्ट्रेट लाइन। So like this we have our one dot, two dot and three dot, third dot. अब इसको कट करना है और ट्रू करना है। सो एज़ पर आवर डिज़ाइन हमारा ये डार्ट शिफ्टिंग, मल्टीपल डार्ट शिफ्टिंग कम्प्लीट हो गया। वी हैव थ्री डार्ट, वन टू एंड थ्री, एज पर डिज़ाइन वन टू थ्री। अब हम लोग एक और डिज़ाइन बनाएंगे मल्टीपल डार्ट शिफ्टिंग की, दिस टाइम विल प्लेस इट सम अदर प्लेस। सो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं। Let's place first dot, all the three dots on center front. So, तो हम लोगों का जो डिज़ाइन बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। Okay. So according to design, पहला हम लोगों का जो dot positioning है वो front नेप से लगभग 3 इंच, 3.5 इंच यहाँ पर, उसके बाद बिल्कुल एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन पर, और फिर थोड़ा सा और नीचे। सो मार्क ऑल द पॉइंट्स वेयर एवर यू वांट टू प्लेस योर डार्ट्स। आप चाहिए तो इस थ्री डार्ट को फोर डार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइव डार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। चलो फॉर योर ईज लेट्स प्रोवाइड वन मोर डार्ट। तो हम लोग एक और डार्ट यहाँ पर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसको 3 से 4 में कैसे कन्वर्ट करना है। सो यानी कि हमको एक और डार्ट पॉइंट यहाँ पर भी चाहिए। ओके, सो नाउ आई विल मैच कनेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स विथ एपेक्स पॉइंट।
सो एज यू कैन सी वी हैव 1, 2, 3 and 4. एज यूजुअल सबसे पहले किसी भी एक डार्ट लाइन को हम लोग कट कर देंगे जो हम लोगों ने नई वाली बनाई है एपेक्स पॉइंट तक, और ओरिजिनल डार्ट को क्लोज कर देंगे परमानेंटली. Now we will cut rest of the lines, leaving half block attached. अब हमारे पास जो ये स्पेस है इसको हम लोग फर्दर इसमें इक्वली डिवाइड कर देंगे. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज आवर नंबर ऑफ डार्ट्स. तो नंबर ऑफ डार्ट्स इंक्रीज करने से क्या होता है कि हम लोगों की जो डार्ट इनटेक है, नंबर ऑफ डार्ट्स इंक्रीज करने से क्या होता है कि हम लोगों की जो डार्ट इनटेक है वो कम होती चली जाती है. तो स्टिचिंग में या डार्ट ट्रूइंग में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, बट इट इज़ पॉसिबल. यू कैन प्रोवाइड एज मैनी डार्ट्स एज यू वॉन्ट टिल द टाइम यू आर एबल टू स्टिच इट प्रॉपरली. So this is okay. Oh, it is over here. Fine. We will now start tracing. सबसे पहले वो एरिया ट्रेस करते हैं जो कि फिक्स है. जिसमें कोई चेंजेस नहीं होने हैं. उसके बाद हम लोग बाकी जो डार्ट्स वाले एरिया हैं, न्यू डार्ट्स वाले, उसको इक्वली डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल ट्रेस. सबसे पहले एपिक्स पॉइंट मार्क कर लेते हैं, इसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं. पुट योर वेट, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. आप चाहिए तो बोर्ड पिंस या टेप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट ये अपनी जगह से हिले नहीं. ओके, वी हैव ट्रेस्ड ऑल, आई हैव ट्रेस्ड ऑल द पार्ट्स. अब इसको हटा देंगे. ये हमारा एपेक्स पॉइंट है और जितने भी बाहर वाले पॉइंट्स हैं उसको अब हम लोग एपेक्स पॉइंट से मैच करा रहे हैं. So now we can see we have actually four darts, 1, 2, 3, 4, और as per design भी हमारे पास 1, 2, 3, 4.
So our second design is also ready, and this was our, I guess, first design. आई होप आप लोगों को अब क्लियर है कि मल्टीपल डार्ट शिफ्टिंग किस तरीके से किया जाता है. इन केस यू हैव एनी डिज़ाइन इन योर माइंड, आप लोग हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमको हमसे पूछ सकते हैं कि ये वाला डिज़ाइन कैसे बनेगा. आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच. कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग.